साथ ही कुछ साइलेंट सिम्टम्स ऑफ किडनी डिजीज के होते हैं, और ये साइलेंट सिम्टम्स हमारे नेल्स यानी हमारे जो नाखून हैं उन पे इजीली दिखाई पड़ते हैं और हम इनको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ये सिंबल्स हमारे हो सकते हैं इंडिकेट कहीं ना कहीं कर रहे हैं कि हमारे कहीं ना कहीं रीनल यानी किडनी में कोई भी प्रॉब्लम्स है। जैसे हमारे नाखून पे अगर उनको एग्जामिन करें तो हमको दिखाई पड़ते हैं, जैसे उनमें बहुत सारे क्या होते हैं हाफ नेल्स इनमें देखे जाते हैं, जिनको है लिंडसेस नेल के नाम से भी जानते हैं। और उसमें कई बार हमारे नेल्स यानी नाखून में बहुत छोटे 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 व्हाइट कलर के स्पॉट्स देखने को मिलते हैं, यानी धब्बा देखने को मिलते हैं, जिनको ल्यूकोराइकिया के नाम से उसको जानते हैं। तो और इसके साथ साथ में हमारे नेल्स अगर बहुत ज्यादा अगर हम इसको इग्नोर कर रहे हैं तो इनमें बहुत सारे क्या होते हैं पट्टियां देखने को मिलती हैं, और ये पट्टियां जैसे उसमें लाइनिंग देखने को मिलती है, और ये लाइनें ट्रांसपेरेंट होती हैं यानी हमारे नाखून के आर पार हमको दिखाई देती हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो कहीं ना कहीं हमारे इंडिकेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं हमारे रीनल यानी गुर्दे में कोई ना कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही है। गुर्दे जिनको रीनल के नाम से जानते हैं, जिनको किडनी के नाम से जानते हैं, और ये हमारे शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है क्योंकि हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म लगातार चलती रहती है, यानी उपापचय की क्रिया चलती रहती है। उपापचय में क्या होता है कुछ पदार्थ टूटते हैं और कुछ पदार्थ नए बनते हैं, और इनमें बहुत सारे हमारे कुछ वेस्ट प्रोडक्ट हमारे निकलते रहते हैं, इन्हें कोई हम क्या टॉक्सिन्स के नाम से जानते हैं, और इनको साथ समय हमारे बॉडी से एलिमिनेशन करना बहुत नेसेसरी हो जाता है। और ये सब कौन करता है, ये सब हमारे क्या है रीनल करते हैं यानी गुर्दे करते हैं, और ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं मेटाबॉलिज्म हमारे क्या ब्लड में एकदम रिलीज कर दिए जाते हैं बाई सेल्स के थ्रू, और ये सेल्स और ये हमारा ब्लड हमारे गुर्दों में पहुंचता है, तो गुर्दे उनको फिल्ट्रेट कर देते हैं और ये हमारे पेशाब के रास्ते टॉक्सिन्स हमारे बाहर निकल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत अच्छे से फंक्शन करती रहती है। अगर किसी कारणवश हमारे रीनल से ये हमारे बेस्ट प्रोडक्ट हमारे नहीं निकल पाते हैं तो हमारे इनका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे देखने को पड़ता है, जैसे अपने नेल्स पे देखने को मिला, हमने आपको बताया था जैसे हमारे नेल्स में बहुत हाफ नेल्स हो जाते हैं यानी आधे आधे नाखून निकलते हैं, और या फिर इनमें ब्रिंकल्स होने लगते हैं यानी टूटने लगते हैं। दूसरा हमने बताया था इसमें क्या है व्हाइट स्पॉट्स का फॉर्मेशन होने लगता है, यानी हमारे नेल्स में बहुत सारे छोटे छोटे व्हाइट स्पॉट देखने को मिलते हैं। तीसरा मैंने बताया इनमें क्या होती है ट्रांसपेरेशन, इसमें क्या होती है कुछ पट्टियां देखने को मिलती हैं, इसमें लाइनिंग देखने को मिलती हैं। तो ये हमारा होगा क्या, ये तब देखने को मिलता है जब हमारे रीनल हमारे क्या होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको अनकैपेबल टू फिल्ट्रेट, अगर उनको फिल्ट्रेट प्रॉपर नहीं कर पाता है नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, तो उनके सिम्टम्स हमारे नेल्स पे दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद में दूसरा जो रीनल डिजीज का प्रभाव देखने को मिलता है हमारे क्या है त्वचा पे देखने को मिलेगा, यानी त्वचा के डिस्कलरेशन ऑफ स्किन हो जाएगी, यानी त्वचा के रंग में बदलाव देखने को मिलता है, जैसे पेल कलर की स्किन हो सकती है, ग्रेस कलर की स्किन हो सकती है, एलोइंग कलर की स्किन हमारी हो सकती है, और डार्किन कलर की स्किन हमारी हो सकती है। और इसके बाद में बहुत सारे हमारे क्या है बहुत डार्क कलर की इसमें पट्टियां देखने को मिलती है, सिस्ट का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और व्हाइट स्पॉट का फॉर्मेशन तब देखने को मिलेगा, और हमारी छोटी सी अगर उसमें खुजली हुई हमने उसको खुजला दिया तो वहां पे बहुत सफेद सफेद रंग के हमारे क्या स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। तो कुछ हमारे ऐसे करेक्टर्स होते हैं, ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हमारे कहीं ना कहीं इंडिकेट करते हैं कि आपके जो किडनी है आपके गुर्दे हैं प्रॉपर फंक्शन या प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे हैं, तो उनकी वजह से कुछ हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट का एक्युमुलेशन हो रहा है और इनका इम्पैक्ट हमारी बॉडी में देखने को मिल रहा है, खासकर त्वचा पे और हमारे नेल्स पर। किडनी डिजीज के कुछ हमारे त्वचा पे और प्रभाव देखने को मिलते हैं, जैसे हमारे परसिस्टेंस हमारे ड्राइनेस बनी हुई यानी लंबे समय से हमारे त्वचा में खुश्की बनी हुई है, और खुश्की की वजह से हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, इसी को प्रूराइटिस के नाम से अगर जानते हैं, अगर ड्राइनेस है और ड्राइनिंग की वजह से हमारे जाहिर बात है उसमें क्या खुश्की होगी, और खुश्की के बाद हमारे वहां पे इचिंग होगी यानी खुजली होगी, तो इस कंडीशन को प्रूराइटिस के नाम से जानते हैं। ये होता तब है जब हमारे क्या है लॉन्ग टर्म से हमारी बॉडी में इम्बैलेंस देखने को मिलता है हमारे मिनरल्स का और हमारे न्यूट्रिएंट्स का, तो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट का हमारा जब बॉडी में बैलेंस नहीं होता है तो उस कंडीशन में हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, और खासकर किसकी वजह से होता है ये हमारे रीनल की वजह से होता है। तो ऐसे अगर कोई आपको सिम्टम्स देखने को मिले, एक बार त्वचा पे कोई भी सिम्टम देखने को मिले और हमारे नेल्स यानी नाखून पे कोई भी सिम्टम्स देखने को मिले, तो एक बार अपने डॉक्टर के हिसाब से अकॉर्डिंग या फिर आपने क्या है एक बार रीनल फंक्शन टेस्ट जरूर करा लो, जिसे RFT के नाम से जानते हैं, और तो एक बार पता लग जाएगा हमारे रीनल यानी गुर्दे प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर उनमें कोई भी थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है तो ये साइलेंट फीचर्स हमारे होते हैं हमारे रीनल के, और इनको इजीली अगर डिटेक्ट करते हैं हमारे बॉडी में सिम्टम्स के हिसाब से तो बहुत जल्दी इनको क्योर भी हम लोग कर सकते हैं बाय मेडिसिंस।
तो और ये हमारे कोई फाइनल डायग्नोस हमारे इसको आप ना समझे, अगर सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं तो ये फाइनल डायग्नोस हो सकती है, रीनल एक जनरल अवेयरनेस ऐसा देखने को मिला है और ऐसा हो सकता है इसको, ठीक है। तो सेशन में बस इतनी ही, तब तक आप स्टे हेल्थी रहिए और स्टे हैप्पी।